हाय गाइस, मैं शुभदीप, मेरे चैनल मिस्टर हैकर बॉय शुभदीप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं इनक्यूबेटर, जिसे चूजा निकलने का मशीन देसी जुगाड़ू तरीके से। इसमें आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक स्टेप में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद। एक थर्मोकोल का बॉक्स लेना है जो मच्छी बाज़ार में मिलता है। थर्मोकोल का बॉक्स ये मुझे पड़ा था प्राइस 100 रुपीज़, जिसके साइड से हम कुरेद दिए हैं। कुछ इस तरीके से आप कुरेद लीजिएगा, जैसे आपकी फिटिंग होगी उसी तरह से कुरेद लीजिएगा, ओके। और ऊपर में एक ग्लास लगा दिया ताकि ढक्कन बार बार खोलना ना पड़े और अंदर का हवा अंदर ही रहे और हम इसे ऊपर से ही देख सकें। और हमने अंदर में लगाया है 2 होल्डर जो, और एक LED और एक फैन जो म्यूजिकल सिस्टम होता है उसके पीछे जो लगने वाला फ़ैन होता है वो फ़ैन लगा दिया हमने। अभी आपको इसको स्टेप बाय स्टेप इसका वायरिंग बताएंगे, कैसे थर्मोस्टेट में ये वायरिंग होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये थर्मोस्टेट का सेटिंग थोड़ा मतलब क्रिटिकल है, मुझे भी समझने में पूरा 6-7 दिन लग गया था। मैं कोशिश करता, होता ही नहीं। और ये एक 12 वोल्ट DC का एडाप्टर और स्क्रू हमने ले लिया है 2 थर्मोस्टेट को एकदम जाम रखने के लिए। तो आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में, ज़रूर बने रहे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हो सके तो। फैन के वायर और LED के वायर को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। आपस में प्लस माइनस दोनों तार को नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ लेना है। इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, आप जैसे चाहे जोड़ सकते हैं दोनों को एक साथ। कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है। हमने 2 तार ले लिए, अभी एक सिरे पॉजिटिव में जाएगा और एक सिरा नेगेटिव में जाएगा, ओके। इसको आप पहले जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं, पहले ध्यान से जोड़ लीजिए ताकि हिले डुले नहीं। और इसे सावधानी से जोड़िएगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। पहले दोनों तारों को कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है। अभी जो हम जोड़ रहे हैं, देखिए आपको प्लस माइनस दिखा रहे हैं। दोनों तारों को 2 वायर मिलाकर एक साथ जोड़ लेना है। उसके बाद आपको बॉक्स के ऊपर एक होल बनाना है, उस होल के पीछे आपको वायर को घुसा देना है, उसके पीछे साइड में जो थर्मोस्टेट में जाके सेटिंग होगा। आगे वीडियो में बने रहे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोनों तार को कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है, ध्यान से देख लीजिए। दोनों तारों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ लीजिएगा। अभी हम होल में फंसा रहे हैं। उसके बाद हम 12 वोल्ट DC का एडाप्टर जो आता है उसको और उन दोनों वायर को एक साथ जोड़ेंगे प्लस माइनस। जो LED और फैन के जो वायर है, दोनों तार को एक साथ जोड़ा हुआ जो वायर है उसके साथ 12 वोल्ट DC का एडाप्टर के जो वायर होता है उसको जोड़ लेना है प्लस माइनस। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है सेम टू सेम ऐसा कीजिएगा, नहीं तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिए। और एक बड़ी बात यह है कि आप इसको स्कूल प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं, कहीं शायद एग्जीबिशन में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और आप अगर बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सावधानी से, ताकि ये इधर उधर ना थोड़ा हिले और शॉर्ट सर्किट ना हो। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मशीन से कैसे चूजे निकलते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि अंडे से चूजे कैसे निकलते हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक स्टेप में बताऊंगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी जो रेड कलर का बटन होता है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वायर का कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना है, दोनों तार को दो साइड में जो ग्रिप दिखाया है दोनों साइड में फंसा लेना है प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव। और हम ये जो AC करंट का जो डायरेक्ट बल्ब को गया है जो वायर, उसका जो पॉजिटिव वायर है उसको हमने बीच से काट दिया है। जो थर्मोस्टेट का ये जो बल्ब को गया वायर, ठीक है, थर्मोस्टेट का जो दूसरा साइड जो बीच वाला साइड में देखिए आप 2 ग्रिप है उसमें फंसा लेना है। जो दूसरा वो साइड में दोनों तार को डायरेक्ट फंसा लेना है। ये दोस्तों काम करेगा स्विच का, ये ऑटोमेटिक मतलब आप इसमें सेटिंग करके रखेंगे तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होने देगा, ऑटोमेटिक बल्ब बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक से चालू हो जाएगा। इस तरीके से आपको
वायर का सेटिंग कर लेना है और ये एकदम टाइम टू टाइम आपका ऑन ऑफ होता रहेगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अंडे पर ध्यान रखिएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तार को इस तरह से वायरिंग कर लेना है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और अभी चल हम इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं थर्मोकोल के ऊपर, ताकि इधर उधर ना भागे और शॉर्ट सर्किट की दुर्घटना ना हो। फिर से और एक बार समझा रहा हूँ, ये जो ब्लू और रेड वायर दिख रहा है, ये सीधा एडाप्टर में जा रहा है, जो कि हमारा फैन और एलईडी बल्ब के साथ लगा हुआ है। तीन तीन वायर दोनों आपस में लगे हुए हैं, वो सीधा थर्मोस्टेट में जाएगा और हम इसे अभी पिन की मदद से फंसा ले रहे हैं, ताकि ये इधर उधर ना भागे। आगे बने रहिए वीडियो में, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम अभी वायर को इस तरह से कुछ फंसा लेंगे। और ये है थर्मोस्टेट का सेंसर, जो बॉक्स के अंदर रहेगा, जो अंदर का ही डिटेक्ट करेगा। बॉक्स के अंदर रहेगा ये थर्मोस्टेट। और एक बात है दोस्तों कि बॉक्स के अंदर 100 वाट का जो 100 वाट का बल्ब होता है उसी को लगाना है, नहीं तो अंडे से चूजे नहीं निकलेंगे, फिर आप बोलोगे फेक वीडियो, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब लगाना है, आपका जितना कैपेसिटी है 2, 4, 6 जितना चाहे बल्ब लगा सकते हो। और टेम्परेचर 37.7 रखना है, ठीक है, 37.7। अभी हम आगे आपको ड्राइंग में बताएंगे, ये जो थर्मोस्टेट है इसका जो एलईडी फैन और 12 वोल्ट डीसी का जो वायर एक साथ दोनों साइड के जो पिन होते हैं उसमें लग जाएगा, ये दोनों साइड के पिन में लग जाएगा। और ये एसी करंट है, एसी करंट जिसका एक वायर कट होके वहाँ पे जो पिन होता है उसमें लग जाएगा। ये एकदम स्विच जैसा काम करता है, आपको ध्यान से देखिएगा। अगर आप वायरिंग जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।